कुछ लोग और भी आ रहे हैं, सबके साथ में बात करेंगे। ठीक है सर। सो टुडे वी आर हैविंग अ स्क्रीनिंग ऑफ दिस फिल्म। द टाइटल ऑफ द फिल्म इज द डेड एंड। द फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय लुसिड फिल्म्स एंड साइदा जूल्स। आई हैव डायरेक्टेड द फिल्म एंड हैव आल्सो एक्टेड इन इट। The film is about existential crisis. What kind of a crisis comes in today's life? So, as a director, I have tried to portray it through the journey of my actors. There's this girl who is fed up with life, and she has come to a dead end in her life, and she wants to commit suicide. And in the process, she meets a guy who's suffering from a disease. The name of the disease is Cotard's delusion, which means that a living person thinks that he's dead. In this journey, they meet a man who's supposedly evil, a monk. And during the course of this journey, by this experience, this girl, the main character Maya, her entire perception about life changes. And ironically, a person who thinks that he's dead ends up changing the life of a person who's going to commit suicide. So it's a reflective film. It's not run-of-the-mill film. It's a very different kind of a film, non-linear format. And it has got philosophical and deep philosophical undertones. And the film works at many levels. It has got a subtext into it, and it has got a visual scenery which is absolutely matching with whatever the film is going to is happening there, and it has got a lot of philosophy and a lot of characters interplay, and the questions to everyday life in this journey. If anyone watches a film, he will find a lot of answers to his and her angst and whatever the questions is plaguing in everyone's life. So we have tried this. It's an experiment, and I just want to inform the media present here that the film was selected in San Francisco Worldwide Film Festival, and it got the Best Critics Award at Rajasthan International Film Festival, and in two or three more film festivals it is going to get screened very soon. Film mein hindi mein bolu chalega, theek hai? Film mein maine ek kirdar kiya hai jiska naam hai Manu. To Manu represent karta hai man ko, ठीक है? जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी पहले आदमी का नाम मनु था, तो मनु की जो परेशानियां हैं वो आज हर आदमी की परेशानियां हैं। तो ये मनु का मैंने किरदार किया, और मनु के दिमाग में कैसी बीमारी है कि वो जिंदा रहते हुए भी खुद को मरा हुआ समझता है, लेकिन वो खुद को मरा हुआ समझते हुए भी एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी बदल देता है जो मरने जा रही है। तो वो पूरी जर्नी के में क्या हुआ, और उस पूरी जर्नी में किस तरीके से क्या वाक़यात हुए और किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, तो ये फिल्म उसके बारे में है। इस फिल्म में उतना ही अहम किरदार एक क्रिमिनल का है और एक मॉन्क का है, जो कि उस लड़की के जीवन में आते हैं और वो भी उसी तरीके से उसको उसके परसेप्शन को चेंज करते हैं। तो ये पूरी फिल्म उसके बारे में। देखिए, फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। अच्छा सिनेमा होता है। फिल्म अगर हिंदी में भी डब होगी तो शायद ज़्यादा लोग तो पहुँचेंगे, डेफिनेटली ये बात है। लेकिन ये फिल्म बेसिकली बनाई गई थी वर्ल्ड ऑडियंस को दिमाग में रखकर, और वर्ल्ड ऑडियंस के लिए एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। तो अगर कोई सब्जेक्ट बहुत यूनिवर्सल है जो हर किसी को टच करता है, तो उसके लिए इंग्लिश से बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं है। लोकेशन कहाँ का है ये? इसमें अधिकतर लोकेशन जितने थे वो उत्तराखंड के थे, हिमालय के थे, और वी हैव शॉट इन लोकेशन वेयर नो वन हैज़ गॉन। वी शॉट नियर चाइना बॉर्डर, वी शॉट इन डीप हिमालयस, सो ऑल दोस प्लेसेस वी शॉट इन। अभी देखिए, फिल्म थिएटर्स में भी जाने वाली है, और फिल्म डिजिटल भी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि आज डिजिटल रिलीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो फिल्म अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जाने वाली है। तो फिल्म को ऑलरेडी फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में जो एक्लेम मिला है, उससे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि फिल्म को ठीक ठाक एक्लेम मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि कोई प्योर कमर्शियल फिल्म है नहीं। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कोई प्योर कमर्शियल फिल्म है नहीं। तो फिल्म को जो भी नंबर मिलने हैं वो क्रिटिक्स से मिलने हैं, और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 50 साल बाद भी लोग डीवीडी अपने पास रखना पसंद करेंगे और देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप क्या करते हैं?
फिलहाल मेरी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है, उसका नाम है मास साहब एज अ डायरेक्टर। अभी मेरी हाल फिलहाल में साउथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट फिल्म रिलीज़ हुई है जो कि अभी हिंदी में भी आने वाली है। फिलहाल मेरी यही दोनों प्रोजेक्ट। थैंक यू सर।